दक्षिण में मीचोंग तूफान आफत बनकर कहर बरपा रहा है। लगातार दक्षिण से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण चक्रवाती तूफान के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। एक बार फिर से भारत मौसम विज्ञान ने 6 और 7 दिसंबर को कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश में तूफान से कई जिलों में भारी तबाही हुई, जिसमें कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। नदियां, नहरें और तालाब उफान पर है। वहीं हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अनाकापले जिले में 60,000 से ज्यादा लोग वहां स्थापित किए गए 52 पुनर्वास केंद्रों में रह सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि अफरा तफरी के बीच खाने की समस्याएं भी सामने आ सकती है, जिसे लेकर राज्य सरकार की ओर से 4 लाख टन अनाज को भीगने से बचाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। वहीं तूफान के चलते एलुरू जिले में स्कूल बंद कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवाती तूफान मीचोंग के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। अब इसके उत्तर की ओर बढ़ने और कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु में 14 टीमें हैं, चेन्नई में 5, आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 1 और पुडुचेरी में 3 टीमें मौजूद है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तत्काल राहत प्रयासों के लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। चक्रवात मीचोंग कहाँ है फिलहाल, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आईएमडी ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मीचोंग पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर है और अगले 12 घंटों तक गंभीर चक्रवाती तूफान की तीव्रता बने रहने की भी वही संभावना है। साथ ही आधी रात तक ये डिप डिप्रेशन में रहेगा और बुधवार सुबह तक डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स।